एवरीवन, आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पर बेस्ड है उनको डिस्कस करेंगे। एक संकीर्ण स्लिट को 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। इसको पर्दे से 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट परस्पर 5 mm की दूरी पर स्थित हो तो स्लिट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ए नैरो स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाई ए लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। इट इज़ प्लेस्ड एट 2 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन। इफ़ द फर्स्ट मिनिमा ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा इज ऑब्जर्व एट 5 mm डिस्टेंस अपार्ट, फाइंड द विड्थ ऑफ स्लिट। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दी हुई है लेमडा इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में चेंज किया इसको तो 6 × 10⁻⁷ मीटर्स। स्लिट से पर्दे की दूरी 2 मीटर। यदि केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्ध चौड़ाई एक्स है तो कोणीय चौड़ाई थीटा है, तो थीटा होती है लैम्डा अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी और ए इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन एक्स, जहां एक्स इज इक्वल टू 5.2 mm इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻³ मीटर। स्लिट की चौड़ाई निकालने के लिए ए हो जाएगा हमारे पास 6 × 10⁻⁷ × 2 / 2.5 × 10⁻³। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 mm। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा है स्लिट की चौड़ाई, वो स्लिट की चौड़ाई हमारे पास आ गई 0.4 mm होगी। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं। एक रेखा चित्र जिसकी चौड़ाई ए है और लैम्डा 6.5 nm के प्रकाश से उसके ऊपर आपतित है। ए के किस मान के लिए थीटा इज इक्वल टू 30° पर प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होगा। ए स्लिट ऑफ विड्थ इज इल्यूमिनेटेड बाई लाइट लैम्डा इज इक्वल टू 650 nm फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ विल बी द फर्स्ट मिनिमा विल फॉल ऑन 30°। प्रथम निम्निष्ट के लिए हमारे पास कंडीशन होती है साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ए हो जाएगा लैम्डा अपॉन साइन थीटा, लैम्डा दिया हुआ है हमारे को 650 nm, तो ये हो जाएगा 650 × 10⁻⁹, साइन एंगल दे रखा है 30°। ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो ए आ गया हमारे पास 1.3 μm। तो ये हो गई ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 3, संकीर्ण स्लिट के कारण फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए पर्दे को लेंस से 2 मीटर दूरी पर रखा गया है। यदि स्लिट की चौड़ाई 0.2 mm तथा प्रथम निम्निष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 mm पर स्थित हो तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए नैरो स्लिट ए स्क्रीन इज प्लेस 2 मीटर अवे फ्रॉम द लेंस टू ऑब्टेन पैटर्न। इफ स्लिट विड्थ इज 0.2 mm एंड फर्स्ट मिनिमा लाइज एट 5 mm ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसका सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे कि डी दिया हुआ है हमें 2 मीटर और इसकी जो अर्ध चौड़ाई है वो एक्स हो गई हमारी 5 × 10⁻³। स्लिट की चौड़ाई ये दी हुई है 0.2 × 10⁻³ मीटर्स में चेंज कर लिया सबको, अतः थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी और लैम्डा इज इक्वल टू एक्स ए अपॉन डी और एक्स ए और डी की जब वैल्यूज हम रखेंगे तो लैम्डा आ गया हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसी तरह 10⁻⁴ cm चौड़ाई वाले स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाला समतल तरंगाग्र आपतित है। स्लिट से विवर्तन के कारण फ्राउनहोफर प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की आधी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि स्लिट में 2 मीटर दूर पर्दा रखें तो केंद्रीय बेंड की चौड़ाई भी ज्ञात करिए। प्लेन वेव ऑफ वेवलेंथ 500,000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट ऑफ 10⁻⁴ cm। फाइंड द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। इफ द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 2 मीटर फ्रॉम स्लिट, फाइंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल बेंड ऑल्सो। प्रथम निम्निष्ट के लिए कंडीशन होती है साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा हो गया लैम्डा बाई ए, थीटा हो गया साइन इनवर्स लैम्डा बाई ए और अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई ए के बराबर। लैम्डा और ए की वैल्यू रखी तो हमारे पास एंगल आ गया ए इज इक्वल टू 30°। माना केंद्रीय बैंड की आधी चौड़ाई एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू डी टेंजेंट थीटा, यहाँ पे डी है आपका 2 मीटर,
तो टू साइन ऑफ थीटा, थीटा का मान कम होने पे साइन थीटा को हम थीटा या टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 मीटर। अतः केंद्रीय उच्चिष्ट बैंड की कुल चौड़ाई 2 मीटर्स होगी। पाँच हज़ार 500 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक 2.2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ाई की स्लिट पर लंबवत आपतित है। केंद्रीय उच्चिष्ट से पहले दो निम्निष्टों की कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम फॉल्स नॉर्मली ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ 2.2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एंगुलर पोजिशन ऑफ द फर्स्ट टू मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ट के लिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा और साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई ए। ए है हमारे पास 2.2 × 10⁻⁶ मीटर्स, लैम्डा इज 5500 × 10⁻¹० मीटर्स। एम निम्निष्टों का क्रम है। पहले निम्निष्ट के लिए एम की वैल्यू 1 हो गई, तो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। लैम्डा हमें दे रखा है 5500 × 10⁻¹० डिवाइडेड बाई 2.2 × 10⁻⁶, तो थीटा आ गया हमारे पास 0.25। इसी तरह से थीटा 1 के लिए ये जब हमने थीटा 1 निकाला इससे, तो साइन इनवर्स 0.25 हो जाएगा 14 °29' के बराबर। दूसरे निम्निष्ट के लिए एम की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए और ये हो जाएगा 0.5। इसलिए यहाँ पे जो थीटा 2 होगा साइन के एंगल में वो हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो जैसा कि हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमने यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट से पहले दो निम्निष्टों की कोणीय दूरियाँ ज्ञात कर ली है, जो कि क्रमशः हमारे पास क्या क्या मिली है। हमें मिली थी ये वाली दोनों दूरियाँ जो है आपकी 14 डिग्री 29 मिनट और 30 डिग्री, वो जगह होंगी जहाँ पर हमें ये दोनों क्रम प्राप्त होंगे।